नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश पे आज मैं आपको बताऊंगा कि गोलगप्पा कैसे बनाए, उसका पानी कैसे बनाए। अभी मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ कि पानी कैसे बनता है, क्या क्या सामग्री लगती है वो बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सामग्री मैं बता देता हूँ, पानी के लिए सबसे पहले एक नींबू चाहिए। ये कम से 7 से 8 लोगों के लिए पानी बनेगा दोस्तों। एक कटोरी बूंदी चाहिए, आधा चम्मच नमक, सादा नमक चाहिए आधा चम्मच, थोड़ा सा हमें हींग चाहिए चुटकी भर, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसके अलावा गरम मसाला चाहिए, ये छोटा आधा चम्मच चाहिए। और ये करीब 1 चम्मच जो है हमें ये जो काला नमक है वो चाहिए, देख लीजिए। और ये देखिए जल जीरा है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप। ये 2 चम्मच चाहिए हमें, 2 चम्मच जल जीरा चाहिए। इसके अलावा ये देखिए ये जीरा है, तो इसको मैंने भुना था और भून के देखिए कूट लिया हूं मैं, तो ये 2 चम्मच चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ, करीब 1.5 चम्मच के आसपास, 1.5 इंच के आसपास जो है हमें अदरक चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। 3-4 जो है हमें हरी मिर्च चाहिए, और ये पुदीना चाहिए हमें थोड़ा सा। जितना पुदीना चाहिए उतना धनिया चाहिए, पुदीना अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये सब सामग्री है, तो इन सबको मिक्सी में पीसना है बूंदी को छोड़कर। तो बाकी चीज़ें मैं बताते जाऊंगा कैसे क्या करना। पहले ये मोटी चीज़ों को मैं पीस लेता हूँ, इसको निचोड़ लेता हूँ और आगे आपको बताते रहूँगा कि कैसे बनाना। इसके बाद मैं आपको पानी पूरी कैसे बनाते हैं वो भी बताऊँगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मिक्सी में ये सब पीसूँगा, उसका पेस्ट तैयार करूँगा। मसाले मैं बाद में डालूँगा। ये रही इमली, तो ये खट्टी मीठी जो है चटनी होती है, मीठी चटनी होती है, वो बनाएंगे हम इमली के लिए। इमली का पानी, इसको पहले हम गर्म पानी में इसको डालेंगे और उसके बाद इसको मस लेंगे, इसका पानी निकालेंगे और क्या क्या मिलाना आगे मैं आपको बताते रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले मिक्सी वाला काम करके इसका पेस्ट बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो चटनी जो है, देखिए हम पीस के रखे हुए हैं मिक्सी में, तो इसको हम पूरा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे और 1 गिलास पानी, इसे मिक्स करेंगे। और मसाला मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए ये है जीरा, है भुना हुआ जीरा कूटा हुआ, तो ये 2 चम्मच डालूँगा मैं। आधा चम्मच नमक डालूँगा, ये थोड़ा सा जो है गरम मसाला डालूँगा, थोड़ी सी जो है मैं 1 चुटकी जो है हींग डालूँगा, इसके अलावा जो है 1 चम्मच जो है ये काला नमक डालूँगा, जल जीरा मसाला डालूँगा 2 चम्मच, बूंदी 1 कटोरी। तो ये सामग्री है, तो मैं सब मिक्स करूँगा और आगे बताता हूँ आपको क्या होगा। इमली के लिए जो हम बनाएंगे उसमें यही मसाला रहेगा, सिर्फ इमली को गर्म पानी में जो है उबालना है और उसका पेस्ट बना के छानना है, और यही मसाले इतनी ही मात्रा में डालने हैं। तो अभी बनाते हैं। हमारी इमली पानी तैयार हो गई, ये देखिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो इस तरह से आपको बनाना है सारा मसाला मिला के। तो ये हमारी इमली पानी है, तो ये बड़ा ही टेस्टी लगता है, ज़रूर आप बनाएं। दोस्तों ये देखिए हमारा पानी तैयार है, बूंदी डाल दिए हम। अब इसमें हम जो या तो आइस डालेंगे जब खाना होगा तब, या सीधा इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो दोस्तों ये पेस्ट को मैंने छन्नी में छाना था, उसी के बाद ये जो है इसके ऊपर बूंदी डाल ली है, मसाला डाला। जैसे आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, बोर हो जाते हैं, तो प्लीज़ जो है पहले बताया इसको ध्यान में रखिए। ओके चलिए, अब इसको रखते हैं फ्रिज में और जब खाना होगा तब हम जो है इसको निकालेंगे। दोस्तों ये देखिए इमली का पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये उबाल के जो है, उबाल के मतलब हल्का गुनगुने पानी में मसल के इमली का गुद्दा निकाल लिया। अब 1 गिलास पानी चाहिए हमें, इसमें डालेंगे पानी, साथ में जो है ये काला नमक है तो ये डालेंगे हम इसमें, तो 1 चम्मच के आसपास जल जीरा डालेंगे इसमें, 2 चम्मच, थोड़ी सी हींग डालेंगे, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, और 2 चम्मच करीब हम भुना हुआ जीरा है पिसा हुआ वो, और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे, बाद में ये जो बूंदी है इसको ऊपर से डालेंगे।
गोलगप्पे के अंदर भरने का मसाला, आलू मेरे पास उबले हुए दो हैं और थोड़ा मैंने छोले लिए हुए हैं। क्या मसाला डालना है? मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि चटनी जो मैं 2 चम्मच डालूंगा, तो अब ये जो चटनी बची है इसमें से 2 चम्मच इसमें डाल दूंगा मैं, और इसके अलावा जो मसाले हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इन सबको मिक्स करेंगे और डालेंगे, जब मैं खाऊंगा दिखाऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा क्या मसाले डालने हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने मसाला मिला दिया है, कुछ भी नहीं मिलाना, 2 चम्मच चटनी है इसमें भी 2 चम्मच है इसमें भी 2 चम्मच है, हल्का सा नमक, थोड़ा सा जीरा, बस हो गया, और कुछ नहीं डालना है। तो ये पानी पूरी में भरने का मसाला तैयार है मेरे पास। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत और कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है हरी मिर्च की चटनी बना के भी डाल सकते हैं। वैसे तो खुद ही ये बहुत ही स्पाइसी है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी तो इस तरह से ये देखिए, ये छोले उबाल के रखे हुए हैं, ये आलू उबाल के रखे हुए थे। तो अब हम बनाएंगे गोलगप्पे, उसकी तैयारी करेंगे। तो 2 प्रकार के बनेंगे, तो पहले मैं सूजी का आपको बता देता हूँ किस तरह से बनेगा। 1 कटोरी सूजी ली हुई है, तो सूजी को आप थोड़ा सा अगर बारीक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर मोटी मिल रही है तो उसको थोड़ा बारीक कर लें। इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल, तो 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच के बीच ऑयल डालेंगे हम इसमें, और इसके अलावा हमें चाहिए हल्का गुनगुना पानी। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको जो है अच्छे से गूंथना पड़ता है दोस्तों, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और गुनगुना पानी हल्का सा डालना है। अब इसको गूंथेंगे, तो धीरे धीरे पानी डालना है और इसको गूंथना है, तो गुनगुना पानी चाहिए हमें। तो अभी हम इसे टाइट गूंथेंगे अच्छे से, मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह से इसको कितना गूंथना पड़ता है, क्योंकि सूजी का है तो इसे बहुत गूंथना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगा मैं, दोस्तों ये देखिए ये हमारा सूजी का जो है डो तैयार है। तो अभी ये नरम है, लेकिन अभी हम इसे जो है कपड़े से जो है ढक के रखेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि उसके बाद फिर इसको अच्छे से गूंथना है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले इसको जो है मैं अच्छे से एक गीले कपड़े में, कपड़ा जो एकदम निचोड़ के रखूंगा, और इसको जो है लपेट के 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। दोस्तों ये 1 कटोरी आटा है, यानी 1 ग्लास है करीब 1 कटोरी के आसपास, तो 250 ग्राम के आसपास है। तो हम आटे के गोलगप्पे बनाएंगे, तो इसको गूंथना है नॉर्मल पानी से जैसे आटा गूंथते हैं वैसी, लेकिन डो टाइट रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें डालेंगे मोइन, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, तेल मैं कढ़ाई चढ़ा चुका हूँ, तो 2 चम्मच इसमें डालूँगा मैं। और देखिए ये गूंथ चुका है, आटा है ये, तो आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं तेल में इसको डाल रहा हूँ और इसे गूंथूंगा, तो इस तरह से गूंथना है। तो तेल करीब 2 चम्मच के आसपास आपको लगना ही लगना है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा चलेगा, 2.5 चम्मच भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको गूंथना बहुत मेहनत से है दोस्तों। देखिए इस तरह से तोड़ना है इसे, ताकि इसके अंदर मोइन जो है अंदर चले जाए और आपके जो गोल गप्पे हैं वो बिल्कुल जो है करारे बने, जैसे बाजार में बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, तो इसको मैं आराम से 10 से 15 मिनट गूंथूंगा और आगे आपको बताता हूँ मैं। तो ये आटे की देखिए मैंने इसको गूंथ के लंबा पतला कर लिया है, मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये लेडीज़ हाथ, वो मेरी बहन है। तो ये जो है देखिए इस तरह से जो है गोली बनानी है आपको छोटी छोटी, ये आटे की है, तुरंत बनेंगी, गूंथने के बाद तुरंत जो है इसे इस तरह से जो है गोल कर लें, और इसके बाद जो इसको बेल के डालें, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पतली होनी चाहिए, तब आपकी करारी बनेगी। तो मैं आगे आपको बताता हूँ, मेरा तेल भी देख लेता हूँ क्या हाल है। तो अभी तेल गर्म हो रहा है, तो आगे मैं आपको बताऊँगा। इस तरह से छोटी छोटी गोली बनानी है, तेल लगाना है चिपके ना, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह से मैं छोटी छोटी बनाऊंगा, तो जब भी आप बनाएं तो पहले बहुत सारा बेल के रखें और फिर उसका तेल जो है कढ़ाई में गरम करें। तो मैं आपको एक दो अभी दिखा देता हूँ किस तरह से बनाना है आपको।
मेरे हाथों में तेल लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से मैं बनाऊंगा। तो इस तरह से बनाएंगे। साइज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो है इसको जो है फटाफट आप देखिए इस तरह से करना। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसी तरह से आप सारे बनाने हैं, आप ही बनाइए। आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। दोस्तों इसको एक तरफ से ज्यादा सेकना और एक तरफ से कम सेकना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है हम सूजी का भी जो है आधा घंटा हमने इसको जो है कपड़े गीले कपड़े में जो रखा था, अब इसको हम अच्छे से जो है गूंथेंगे। इसको बहुत ज़रूरी है गूंथना इसे इस तरह से ऐसे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसे करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपके जो गोल गप्पे एकदम करारे होंगे। तो अभी मैं इसे करता हूँ थोड़ा देर। तो ये सूजी का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डो उस समय बहुत नरम था लेकिन अब टाइट हो गया है। दोस्तों ये देखिए ये सूजी का है और इसको हम थोड़ा सा लंबा टाइप कर रहे हैं, गोल रहे हैं, गोल कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। और हमारी सिस्टर देखिए कितना मेहनत कर रही है। तो अभी हम जो है इसको सीधा कढ़ाई में डालेंगे। तेल बिल्कुल गर्म है, एक साइड से हम थोड़ा सा इसे जो है हल्का भूरा करेंगे और दूसरे साइड से थोड़ा सा हल्का रखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सूजी के हैं, तो चलिए अभी हम सीधा डालते हैं कढ़ाई में। तो एक एक करके डालना है इसको, थोड़ा सा गैप देना ताकि वो फूल जाए इस तरह से। वैसे तो एक एक करके इसको तलना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये फूल गया है तो हमें इसको डालना है दूसरी इस तरह से। अब हम इसे हल्का सा पलटी कर लेंगे इस तरह से, देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये बहुत सारे बना रखे हैं। तो आगे हम जो है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मसाला कैसे डालना है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारे सूजी के हैं और ये है आटे के। तो दोस्तों तैयार है मसाला, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें सिंपल मसाला डालना है और पानी तैयार है। ये इमली पानी है और ये खट्टा पानी है। तो जो है सर्व करना है बिल्कुल आसान तरीका, देखिए कैसे कुरकुरे हो गए इस तरह से। आप पानी में डालिए और खाइए। और ये सूजी का है, देखिए किस तरह से कुरकुरे हुए हैं। इसमें हम जो है आलू भर देते हैं, छोले भर देते हैं और इसके बाद इसको पानी में डालिए और खाइए। तो इस तरह से आप बनाइए और खाइए, और कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।